गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंजीनियरिंग टेस्ट क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस के ऊपर बेस हम क्वेश्चन आपको करवा दें, उसमें टाइप फर्स्ट लेंगे हम दोस्तों। तो टाइप फर्स्ट कैसे करवाते हैं, जैसे ये हमारा है टाइन थीटा इज इक्वल टू 12/5, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइन थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम ये अगर जो आपकी वैल्यू निकल के आई होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये ए हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया, सी हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टैन थीटा। टैन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि एक होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का, या इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको ऐसे कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम टैन थीटा की, तो टैन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया, ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया। अब बात जब हम करते हैं क्या कि लंब बटे आधार दिया है, तो हम बता रहे हैं कि लंब आपका कितना दिया, आधार कितना दिया है, ठीक है। तो जब लंब बटे आधार की बात करते हैं, ये आपका 12 हो गया, ये 5 होगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसमें हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए करते क्या है दोस्तों, तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको बता देते हैं, जैसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये किसने, उन दोनों के सम के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने बताया था। अगर ऐसे भी कह सकते हैं ना कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग, स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया ना, पावर दो हो गई, दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, वो हाइपोटेनियस के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। जैसे अब हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर रखेंगे कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 144 हो गया दोस्तों, और ये 25 हो गया। इन दोनों का जब सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 169 हो जाएगा। तो रूट कितना, 13 निकल करके आएगा। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल के आया, 13 निकल करके आया। तो हाइपोटेनियस जब 13 आ गया, तो हमको किसकी वैल्यू निकालना था, साइन थीटा की वैल्यू निकालना था। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, जब साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या लंब बटे कर्ण बताया था, इसको परपेंडिकुलर अपान क्या बताया था, हाइपोटेनियस बताया था। तो ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है, फिर हमारा क्या हाइपोटेनियस कितना है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 12, और हाइपोटेनियस कितना है, 13। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई दोस्तों। तो आपको बताइए हमारी ये वीडियो कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।